जय श्री राम। मेरे तुला राशि के प्यारे जातक जातिका, मैं हूं आपके साथ आपका अपना डॉक्टर राज मिश्रा। यह है आपका अपना पसंदीदा प्रोग्राम कैसा व्यतीत होगा आपके लिए, लकी कलर क्या है, लकी डे क्या है, क्या करना है और क्या नहीं करना है, इन सारी विषयों की जानकारी, कौन आपके लिए सपोर्टिव होगा और कौन इस महीने आपको धोखा देने वाला है, इन सभी विषयों पर चर्चा करेंगे। लेकिन आपको एक जानकारी दे दूं, पितृ पक्ष में पितृ की शांति के लिए, पितृ की मुक्ति के लिए, पितृ दोष निवारण के लिए सबसे बेहतरीन जो उपाय है श्रीमद् भागवत कथा, उसका आयोजन मैं करने जा रहा हूं। मैं स्वयं कथा करूंगा, साथ में सुबह पितृ के लिए तर्पण यज्ञ इत्यादि सब कुछ किया जाएगा, भंडारा होगा, प्रसाद बटेगा, पितृ बिल्कुल प्रसन्न होंगे। तो यदि आप भी चाहते हैं अपने पितरों की शांति मुक्ति इत्यादि, तो आप मेरे साथ संपर्क कर सकते हैं, इस कार्यक्रम में आप भाग ले सकते हैं। स्वयं यदि भागवत कराना चाहते हैं, शिवपुराण या राम कथा कराना चाहते हैं, तो भी मेरे साथ संपर्क कर सकते हैं। मैं स्वयं आकर के आपके यहाँ इस कार्यक्रम को करता हूँ। आप देश में रहते हैं, विदेश में रहते हैं, कहीं पर भी। चलिए अब बात करते हैं भाई कि तुला राशि के लिए किसके इर्द गिर्द ये महीना घूमेगा। एक तो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि राशि स्वामी शुक्र जो है वो नीचस्थ होंगे स्टार्टिंग में, और नीचस्थ होकर के 12th हाउस में केतु के साथ गोचर करेंगे। देखो स्टार्टिंग जो इस मंथ का है, सबसे पहले अगर मैं 2-3 दिन की बात करता हूँ, शुरुआत के 2-3 दिन की बात करता हूँ, और स्पेशली मैं आर्थिक परिस्थिति को, सबसे पहले मैं बाकी चीज़ों पर ना जाऊँ, आर्थिक परिस्थिति को लेकर के बात करूँ, तो स्टार्टिंग ऑफ मंथ जो है करीब 3 दिन का जो समय शुरुआत का है, ये आपको आर्थिक लाभ निश्चित रूप से देने वाला होगा। मैं बता रहा हूं, इसको नोट करके रख लीजिएगा। चाहे कहीं से आपको साधारण धन ही आए, लेकिन पैसा आएगा जरूर, ये बात बिल्कुल नोट करके रखिएगा, बता रहा हूं। चाहे साधारण रुका हुआ धन अपने पास आ जाए, चाहे अचानक कहीं से पैसा आ जाए, कहीं आप काम करें उसमें आपको लोग अप्रिशिएट करके ज्यादा दे दें, चाहे नया काम मिले, लेकिन स्टार्टिंग ऑफ मंथ में पहले 3-4 दिन के अंतर्गत ये आपके साथ घटित होगा ही होगा, इसको ध्यान रखिएगा। तो ये एक बड़ा अच्छा जो चीज है वो आपके साथ घटित होने वाली है। अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज इस चीज पर क्या था, तो आर्थिक परिस्थिति को लेकर के स्टार्टिंग का जो समय है वो निश्चित रूप से आपके लिए बेहतर होगा। और स्टार्टिंग ही क्या, 16 तारीख तक अगर मैं आर्थिक परिस्थिति की बात करूं तो 16 तारीख तक धन को लेकर के परिस्थिति बेहतर है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज स्वास्थ्य रहता है, 16 के बाद धन की परिस्थिति पर ध्यान देना है। कहीं भी शेयर मार्केट वार्केट में बिल्कुल पैसा लगाइएगा 16 के बाद, 16 के बाद नुकसान ही होगा। 16 तक बिल्कुल लगाइए, 16 के बाद बिल्कुल ना लगाइए। 16 तक खूब पैसे के लिए प्रयास कीजिए, 16 के बाद उसको संभाल कर रखिए, कहीं पर जबरदस्ती इन्वेस्टमेंट मत कीजिए, किसी को दीजिए मत, नहीं तो नुकसान हो जाएगा। अच्छा, अब अगर हम बात करें स्वास्थ्य का कैसा रहेगा, आप स्वास्थ्य को लेकर तो ध्यान देना पड़ेगा, 18 तारीख तक खास ध्यान देना पड़ेगा। भाई आपकी राशि स्वामी शुक्र जो है वो नीचस्थ रहेंगे और 12th हाउस के अंतर्गत रहेंगे, केतु के साथ रहेंगे। अब केतु के साथ रहने के कारण ना आपके मन में बड़ा नकारात्मक विचार आएगा, मन एक भयभीत रहेगा, स्वास्थ्य को लेकर के भी परेशान रहेंगे, ऐसा लगेगा कि कोई अपना है नहीं, जिंदगी में बड़ा अकेलापन है, क्रोध बेकार का आएगा, तो जो एक पॉजिटिव कंडीशन होनी चाहिए वो नहीं रहेगी। तो भाई मंथ के 16th तक आपको अपने हेल्थ पर बेहद ध्यान रखने की आवश्यकता है, नहीं तो भाई हॉस्पिटल के चक्कर इत्यादि काटने पड़ सकते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। हेल्थ को लेकर के ध्यान रखना है, पॉजिटिव थिंकिंग रखनी है। ठीक है, संसार में लोग अपने मतलब के लिए आपसे मिलते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, वो उनका कार्य है, मुझे अपना कार्य करना चाहिए, सो उनके बारे में हमको विचार ही नहीं करना चाहिए। इस प्रकार की परिस्थिति पर आपको ध्यान रखना। किसी ने कहा था कि छतों के चराग कब के बुझ गए होते, कोई तो है जो हवाओं का हाथ थामे हुए है, तो ये विचार रखना है कि कोई तो है जिसका आशीर्वाद मुझ पर है, जिस कारण से मैं सबका मदद कर पा रहा हूं या कर पा रही हूं, तो इस विचार के साथ आपको आगे बढ़ते रहना है। अच्छा, अब एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो 18 तारीख के बाद जब राशि स्वामी शुक्र स्वयं की राशि में गोचर करने आ जाएंगे, तो आपका हेल्थ भी बेहतर होगा, मन में भी प्रसन्नता रहेगी, चेहरे पर चमक आएगी, आपने खुद लुक में परिवर्तन देखिएगा, मैं तो बड़ा क्लियर कह रहा हूं, 18 से पहले अपना लुक देखिएगा
और 18 के बाद अपना लुक देखिएगा, तो आपको आपके लुक में चेंजेस नजर आएगा। तो आर्थिक परिस्थिति को लेकर बात हो गई, स्वास्थ्य को लेकर बात हो गई, विदेश यात्रा का भी योग है, इसको ध्यान रखिएगा। अब बात कर लेते हैं एजुकेशन को लेकर कैसा रहेगा। तो एजुकेशन को लेकर के अगर इस मंथ की हम बात करें, मंथ का स्टार्टिंग टाइम एजुकेशन के लिए बहुत अच्छा रहेगा, प्रेम संबंध इत्यादि के लिए बहुत अच्छा रहेगा। फिर अगर हम बात करते हैं तो इस मंथ का जो मिड है, करीब करीब 15 तारीख की रात, 16 तारीख और 17 तारीख पूरा, ये आपका एजुकेशन के दृष्टि से निश्चित रूप से बेहतर रहने वाला है। बाकी टाइम थोड़ा परेशान करेगा, प्रेम संबंध इत्यादि को लेकर के भी यही समय आपके लिए बेहतर है। अब नौकरी में परिवर्तन या नौकरी में सावधानी किस दिन रखनी है, तो एक बात ध्यान रखिएगा, नौकरी में सैलरी वृद्धि, प्रमोशन या नई नौकरी के लिए अगर अप्लाई करना है तो एक बात ध्यान रखेंगे, स्टार्टिंग से लेकर के 1 तारीख, 2 तारीख, 3 तारीख और 4 तारीख को सुबह 9:56 प्रयास कीजिएगा। इस समय तक नौकरी के लिए, व्यापार की वृद्धि के लिए किया गया प्रयास आपका जरूर सफल होगा। लेकिन ध्यान रखें 4 तारीख 10 बजे के बाद, 5 तारीख, 6 तारीख और स्पेशली 6 तारीख के रात को 11:01 तक, इस समय पर किसी भी प्रकार से नौकरी के लिए प्रयास करना आपके लिए खतरनाक होगा। इस समय बॉस इत्यादि से भी सावधानी से बात करना है। व्यापार के लिए कोई नए चीज़ों की अप्लाई, कोई नए कार्य को आपको नहीं करना, इस समय नुकसान का योग है। खैर, ये बहुत सारा विषय है जिसको डिटेल में चर्चा करने की आवश्यकता है, लेकिन आप जानते हैं कि समय कम होता है, छोटी वीडियो आपको देना होता है, आप भी लंबी वीडियो नहीं देख पाएंगे। सो इसलिए रात को 9 बजे, दोपहर को 12 बजे लाइव आता हूँ। लाइव जुड़ियो, फ्री होता है। पहले बात में बात करना चाहते हूँ, कॉल अपॉइंटमेंट लेकर बात करना होता है, वो चार्जेबल होता है, तो बात कर सकते हैं। कोई कथा इत्यादि कराना चाहते हैं, पितृ शांति कराना चाहते हैं, तो आप मेरे साथ संपर्क कर सकते हैं। भगवान आपका जीवन सुख समृद्धियों से परिपूर्ण रखें, इसी शुभकामना के साथ जय श्री राम, बहुत धन्यवाद। We'll be right back.